इधर लखनऊ में लोक अदालत के दौरान युवक ने आत्मदाह की कोशिश की, आत्महत्या की कोशिश की। युवक ने की बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या की कोशिश। वजीरगंज इलाके में लोक अदालत के दौरान बिल्डिंग से कूदने का युवक ने प्रयास किया। पुलिस और वकीलों ने युवक को पकड़कर उसकी जान बचाई। ये देखिए आप, इस युवक ने कूदकर जान देने का प्रयास किया, आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन वकील जो वहां पर थे और पुलिसकर्मी जो वहां पर थे, उन्होंने इस युवक की जान बचा ली। आत्महत्या का प्रयास कर रहा था बिल्डिंग से कूद कर ये युवक लखनऊ में लोक अदालत के दौरान। एक बड़ी अपडेट रुड़की से आ रही है इस वक्त। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर बेकाबू होकर बस खाई में जा गिरी है और इस हादसे में बस सवार कई यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं। जो घायल है उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार को बचाने के चक्कर में बेकाबू हो गई यात्रियों से भरी बस। यात्रियों को लेकर हरिद्वार से मुजफ्फरनगर जा रही थी बस। ये मामला है सिविल लाइन कोतवाली थाना इलाके का। ये देखिए आप, खाई में जाकर गिरी बस, कई यात्री जख्मी हैं, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और मेरठ बागपत हाईवे पर हिंडन पुल से नीचे जा गिरी है कार, यहां भी हादसा हुआ है। इस हादसे में दंपत्ति समेत कुल 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। कार में सवार सभी लोग खेकड़ा के रहने वाले हैं। चारों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा हुआ है बालैनी थाना इलाके के हिंडन नदी पुल पर। सभी लोग खेकड़ा के रहने वाले हैं जो कार में सवार थे। हिंडन नदी में जाकर गिरी पुल से कार और 4 जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बालैनी थाना इलाके में हादसा हुआ। इधर सोनभद्र में करमा थाना पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को 1,30,00,000 रुपए के गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों से करीब 4.25 कुंतल गांजा बरामद हुआ और बताया जा रहा है कि गांजा तस्कर ट्रक में गांजा छिपाकर राजस्थान लेकर जा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों को टिकुरिया गांव के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले में केस दर्ज करके आगे जांच कर रही है। करीब 1.5 करोड़ रुपए बरामद गांजे की कीमत बताई जा रही है। पुलिस और एसओजी टीम की बड़ी कामयाबी बताई जा रही है गांजा तस्करों की गिरफ्तारी। कई कुंतल गांजा था, 1.5 करोड़ रुपए बाजार में इसकी कीमत। 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। सोनभद्र से खबर। पुलिस और एसओजी टीम का यह ज्वाइंट एक्शन था, पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का, और 1.5 करोड़ कीमत की गांजे की खेप यहां से पुलिस ने पकड़ी। 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर भी गिरफ्तार कर लिए गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।